अपन लोग पिछले कई महीनों से दस आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं कई बार दस आज्ञाएं अरे वो तो पुराने नियम है कह के हम लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं लेकिन जैसा मैंने आपको याद दिलाया था दस आज्ञाओं में नौ आज्ञाएं हमारे नैतिक हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो मानना हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है दस आज्ञाओं में से सिर्फ एक आज्ञा है जो यहूदियों के सामाजिक जीवन से संबंधित है जिसका मानना गैर यहूदियों के लिए जरूरी नहीं है लेकिन इवन वो जो आज्ञा सबत के बारे में परमेश्वर ने यहूदियों को जो आज्ञा दी है उसमें जो अर्थ छुपा हुआ है वो समझना हमारे लिए उपयोगी होगा इतना बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं पिछले तीन हफ्ते हमने तू हत्या ना करना का अध्ययन किया था निर्गमन की पुस्तक बीसवें अध्याय अध्याय से तू हत्या ना करना तीन हफ्ते में मैंने कवर किया लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारे विषय बिना कवर किए हुए पड़े हैं लेकिन श्रोता लोग थक जाएंगे इसलिए मैंने तीन क्लासेस में उसको समाप्त कर दिया इस बात को मैं आज आगे बढ़ने से पहले याद दिलाना चाहता हूं जाने या अनजाने हम में से हर व्यक्ति अपने पति पत्नी भाई बहन अन्य विश्वासी अपने बच्चे और उसी तरह से बच्चे लोग अपने किसी का माइक ऑन है जरा ऑफ कर लें सभी लोग अपने माइक को जरा चेक कर लें और कृपया माइक ऑफ कर दें थैंक यू ये मैं आपको बता रहा था हम में से हर व्यक्ति जाने अनजाने अपने पति अपने पत्नी माँ बाप बच्चे भाई बहनों की हत्या करते हैं इस बात को कभी ना भूलें कि मनुष्य पद्मेश्वर के स्वरूप में सिर गया व्यक्ति है और इस कारण यदि आप अपने अपनी पत्नी से या अपने पति से या अपने बच्चे से या अपने भाई या बहन से कड़वाहट के साथ बात करते हैं तो इस बात को कभी ना भूलें कि वो व्यक्ति चूंकि पद्मेश्वर के स्वरूप में सिर गया है इस कारण उस व्यक्ति से इस तरह से बात करने के द्वारा आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है इसको कभी ना भूलें मत्ती रचित सुषमाचार छठे अध्याय से ये बात मैंने रिपीटेडली आपको याद दिलाई थी आज हम अपने अध्ययन के लिए निर्गमन बीसवें अध्याय के चौदहवें पद को देखेंगे निर्गमन बीस का चौदह एक अनुरोध है कि आप में से जिन जिन को, को होस्ट बनाया गया है वे लोग अपने मोबाइल के साथ छेड़छाड़ ना करें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है प्लीज जिनके भी मोबाइल को, को होस्ट बनाया गया है वे लोग बहुत सावधानी से अपने मोबाइल को हाथ लगाए क्योंकि बीच बीच में आप लोग अनजाने जो हाथ लगा रहे हैं उसके कारण जो सेटअप है वो बिगड़ रहा है निर्गमन 20 के 14 में एक बहुत छोटा सा प्रस्ताव या छोटी सी आज्ञा हम देखते हैं 20 के 13 में हमने देखा था तुम हत्या ना करना 20 के 14 में हम देखते हैं तू व्यभिचार ना करना ये कैसी आज्ञा है जिसको पढ़ते ही हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि ब्रदर ये विचार का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपनी वाचा की पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से या एक बहन अपने वाचा के पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध में आता है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं भाई जॉनसन कि मेरे जीवन में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और ना ही मैं होने दूंगा या ना ही मैं होने दूंगी मुझे यकीन है कि आज मैं पूछूंगा तो आप में से सब ये जवाब देंगे मुझे खुशी है कि आप इस तरह का जवाब देंगे और इस तरह का जवाब परमेश्वर के बच्चों से हमें मिलना भी चाहिए लेकिन जैसे इसके पहले मैं कई बार बता चुका हूं प्रभु के वचन में जब एक आज्ञा दी जाती है तो वो जो आज्ञा दी जाती है उसके साथ सब समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि उस आज्ञा में जो बात कही गई है उसका विस्तार प्रभु के वचन में अन्यत्र हमको मिलता है और इसका ऋण प्रभु के वचन में किसी भी एक आज्ञा को समझना हो तो उस आज्ञा का विस्तार प्रभु के वचन के अन्य भागों में जहाँ जहाँ मिलता है वहां वहां से कलेक्ट करके पढ़ के समझ के इस तरह से आज्ञा समझना जरूरी है और इस कारण यदि आपको लगता हो कि मैंने जिंदगी में अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है तो प्रभु के वचन के आधार पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि तू व्यभिचार ना करना इस आज्ञा का उल्लंघन हमने नहीं किया है ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि जब प्रभु का वचन व्यभिचार की मनाही करता है तो उसका विस्तार जहां जहां दिया है वो पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि बाप रे प्रभु का वचन एक आज्ञा देता है तो उस आज्ञा की व्याप्ति फैलाव कितना ज्यादा है इसके एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उत्पत्ति के पुस्तक नवे अध्याय के बाईसवें पद में हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक नवे अध्याय के बाईसवें पद से एक्चुअली नवे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तब वहां देखते हैं एक्चुअली नवे अध्याय के बीसवें पद में हम देखते हैं नौ का बीस वहां से चालू करेंगे नूह किसानी करने लगा उसने दाख की बारी लगाई वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नग्न हो गया बाईसवें पद में हम देखते हैं तब कनान के पिता हाम ने तीन बच्चे थे शेम हाम ये पेत बाईसवें पद में देखते हैं कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नग्न देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया तब शेम और ये पेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नग्न तन को ढांप दिया वे अपना मुख पीछे किए हुए थे इसलिए उन्होंने अपने पिता को नग्न न देखा जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है इसलिए उसने कहा कनान शापित हो वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो उसके बाद जिन दो भाइयों ने कपड़े ले जाकर अपने पिता की नग्नता को ढांपा था उनके बारे में छब्बीसवें पद में हम देखते हैं शेम का परमेश्वर धन्य है कनान शेम का दास होवे पर ये के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होवे इस घटना को हमने मेरा अनुमान है कि मसीही जगत में लोगों ने सौ बार पढ़ा होगा या शायद उससे ज्यादा भी पढ़ा होगा इसको पढ़कर हम ऐसे ही बस निकाल देते हैं उससे ज्यादा कभी इस विषय में हम सोचते नहीं हैं लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है क्या कि भाई उसने अपने फादर को बिना कपड़े के देखा बाहर आके उसने बताया इसीलिए तो उसके भाइयों ने कपड़े ले जाकर अपने पिता को कवर किया तो स, मैंने बहुत सारे लोगों को ये पूछते सुना है अरे भैया उसने देखा तो गलती तो पिता की थी कि बिना वस्त्र के वो अपने तंबू में थे और किसी कारण से वो गया होगा उसने पिता को देखा और यदि उसने बाहर आके नहीं बताया होता तो पिता शायद नशे में बाहर आ जाते सबके सामने तो इसलिए उसने सिर्फ देखा उसमें कौन बड़ी बात है पिता ने उसको इतना भयानक शाप क्यों दिया ये प्रश्न मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है और आ, मेरा अनुमान है कि अभी भी समाप्त नहीं हुआ कल को मैं जब किसी कैंप या कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा तब निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति ये प्रश्न मुझसे जरूर पूछेगा कि भैया उसने देखा और जो देखा वही तो बताया है उसने पिता का उपहास तो नहीं किया इसलिए परमेश्वर ने उसको जो उसने जो शाप दिया क्यों दिया यहां दो तीन बातें समझना जरूरी है पहली बात प्रभु के वचन में जो रिकॉर्ड है मतलब परमेश्वर ने जिन लोगों का उपयोग किया था जैसे नूह इब्राहिम इसाक याकूब उन लोगों ने यदि किसी के किसी कर्म को गलत जाना और गलत है ये कहा है तो उसका मतलब है कि वहां कोई तो भी गलती हुई है और यदि मैं और आप 21वीं शताब्दी में बैठकर जब प्रभु के वचन में उस इतिहास को पढ़ते हैं और यदि हमको समझ में नहीं आता है कि वहां क्या हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ नहीं हुआ इस बात को खास याद रखें जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और वहाँ किसी बात को बहुत गंभीरता से लिया गया है और 21वीं शताब्दी में जीने वाले हमको वो बात अधिक गंभीर नहीं लगती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई गंभीरता वहाँ कोई गंभीर बात नहीं हुई बल्कि प्रभु के वचन से हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु के वचन ने उस पर्टिकुलर घटना को इतनी गंभीरता से क्यों लिया और यदि प्रभु के वचन ने उसको इतनी गंभीरता से लिया है तो हमको भी उतनी ही गंभीरता के साथ वो बात लेनी चाहिए यहां पर हाम ने जो किया उसके उसकी गंभीरता को समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और सड़क किनारे एक शराबी नंगा पड़ा हुआ है उसके कपड़े उसने उतार के बगल में ही डाल दिए हैं पड़ा हुआ है बेहोश है इसको देखकर एक औसत व्यक्ति मैं औसत इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग तो इतने डरपोक हैं कि वहां से भाग लेंगे औसत व्यक्ति वो है जो ना तो भागेगा ना उसका उपहास करेगा औसत व्यक्ति उसको देखेगा क्या करेगा औसत व्यक्ति तुरंत उसके कपड़े उठाकर पहले उसकी नग्नता को ढांपेगा और नग्नता को ढांपने के बाद फिर वो आवाज लगाएगा कि कोई है क्या जो इस आदमी का रिश्तेदार है जो इसको घर ले जाए मुझे अपने कॉलेज के ये है सामान्य बिहेवियर सामान्य बिहेवियर ये नहीं है कि सड़क पे एक आदमी बिना कपड़े के पड़ा है आप मोबाइल लेके तुरंत जो है उसका वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद अखबार को भेज देते हैं कि सड़क पर फनाना व्यक्ति बिना वस्त्र के पड़ा हुआ था नंगे से भी ज्यादा नंगाई वो व्यक्ति दिखाता है जो उसका वीडियो लेकर अखबार को भेजता है या दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करता है मुझे अभी भी याद है जब मैं बीएससी में पढ़ता था तब हम सड़क से जा रहे थे अचानक एक व्यक्ति का कपड़ा कुछ तो ट्रक जा रहा था उसमें अड़ गया और कपड़ा इतना कमजोर था कि ट्रक उसका कपड़ा खींच ले गया वो व्यक्ति नग्न हो गया मेरे साथ मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में पढ़ता था उसने तुरंत अप, अपनी शर्ट उतार के उस व्यक्ति को दी जिससे कि वो अपनी नग्नता को ढांप सके उसके बाद अपनी साइकिल के पीछे बैठा कर उस व्यक्ति को घर ले जाकर छोड़ा इस पूरी यात्रा के दौरान मेरा दोस्त सिर्फ बनियान पहना रहा और उसने मुझसे कहा कि जॉनसन तू मेरे साथ आ कहीं सड़क पे कोई टोका टाकी करे तो कम से कम तुम बता सको कि एक दुर्घटना हुई थी देखिए वो एक गैर मसीही था लेकिन उसके मन में वो सामाजिक भावना थी कि समाज में किसी व्यक्ति की नग्नता प्रदर्शित ना हो इस कारण कॉलेज का विद्यार्थी होते हुए भी याद रखें कॉलेज के विद्यार्थी अपनी शर्ट वगैरह उतार कर बिन्यान पहन के साइकिल नहीं चलाते हैं लेकिन उसको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि यदि एक व्यक्ति नग्न हो जाता है तो समाज के सामने उसकी नग्नता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए इसलिए उसने अपना शर्ट उतार कर दिया मैंने इस तरह की कुल दो या तीन घटनाएं देखी हैं उन लोग वे जो गैर मसीही थे उनके अंदर इतनी सामाजिक भावना थी कि समाज में किसी व्यक्ति की नग्नता प्रकट होती है तो भले ही अपने को अपनी शर्ट उतारना पड़े लेकिन उस व्यक्ति की नग्नता को ढांप दो हम जब अपने पिता के टेंट के अंदर गया था और अपने पिता को नग्न देखा तो आपको क्या लगता है टेंट में कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं था क्या अरे टेंट में तो फादर की खटिया होगी गद्दा होगा बेडशीट होगा बड़े आराम से वो बेडशीट उठाकर अपने फादर को कवर कर सकता था नहीं तो जाके चुपचाप अपनी मां के कान में कह सकता था माताश्री माताश्री जरा उस टेंट में जाके पिताश्री को कवर कर दीजिए उसने ये भी नहीं किया वहां लिखा है बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया देखिए उसने जो किया प्रोटोकॉल के अनुसार वो गलत था प्रोटोकॉल का मतलब है व्यवहार करने की रीति हम चाहे घर में हो चाहे समाज में हो या चर्च में हो व्यवहार करने का एक तरीका होता है मान के चलिए कि आपके चर्च में एक प्रचारक आया हुआ है प्रचारक जब उनका नाम लिया जाता है तो खड़े होकर पुलपित की तरफ जाते हैं अचानक फिसल के गिर जाते हैं जब दूसरे बच्चे फिसल के गिर जाते हैं तो साथ ही बच्चे अक्सर ताली बजा के हाहा हंसते हा हा हैं बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन मान के चलिए कि एक प्रचारक पुलपित की तरफ जा रहा है फिसल कर गिर गया तो उस चर्च में जो प्रचारक हैं जो एल्डर्स है सब यदि ताली बजाकर हंसने लगे तो व्यवहार की जो रीति है प्रोटोकॉल उन्होंने उसका पालन किया या लंघन किया सामाजिक व्यवहार के कुछ तरीके होते हैं तौर तरीके होते हैं मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि मैं इस तरह के कई इस तरह की कई घटनाएं देख चुका हूं मैं चूंकि अपने स्कूल लाइफ से ही यात्रा करने लगा था मैं शायद आठवीं में या सातवीं में था जब मेरे पापा ने मुझे पहले मिशनरी जर्नी के लिए भेज दिया हमारे चर्च में एक कैनेडियन मिशनरी थे जीप से वो काफी लंबी यात्राएं करते थे छुट्टियों में डैडी मुझे भेज देते थे और मेरा काम सिर्फ क्लीनर का काम होता था लेकिन डैड का ये सोचना था कि वहां से चालू करोगे तो तुम काफी ऊपर उठोगे तो जब इस तरह से सातवीं या आठवीं से मैंने यात्रा करना शुरू की तो उसके कारण बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी हैं जिसमें से एक घटना मैं अभी भी नहीं भूल सकता झांसी में हम लोग एक चर्च में थे आ, पास्टर ने अनाउंस किया कि फलाना भाई आकर गिटार पर एक गाना प्रस्तुत करेंगे भाई गिटार टांग के आगे की तरफ बढ़े दुर्भाग्य से गिटार का स्ट्रिंग टूट गया और गिटार उनके हाथ से नीचे गिर गया एक बात बताइए यदि कोई भाई या बहन गाने के लिए गिटार लेकर आगे जा रहा है और गिटार टूटकर उसके हाथ से गिर जाता है तो जो सबसे पास खड़ा हुआ है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गिरता हुआ देख रहा है लगभग कि उसको या तो पकड़ने की कोशिश करे या गिरते ही उसको उठा ले उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ फुलपिक पर जो पास्टर अनाउंस कर रहे थे वो ऐसा हंस दिए जैसे किसी जोकर ने कोई तमाशा दिखाया हो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि सामाजिक जीवन में एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल या व्यवहार की मर्यादाएं हैं पारिवारिक जीवन में भी इस तरह से तमाम मर्यादाएं हैं और हिंदी शब्द मर्यादा उसको बहुत अच्छी तरह से प्रकट करता है आज यहाँ जो लोग सुन रहे हैं इनमें से जो ठेठ केरल के हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मलयालम में मर्यादा का अर्थ बिल्कुल अलग होता है हिंदी में अर्थ बिल्कुल अलग होता है और इस कारण मैं हिंदी अर्थ में उसका उपयोग कर रहा हूं सामाजिक मर्यादा का मतलब है समाज में जिस डिसेंसी के साथ एक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए पारिवारिक मर्यादाएं भी होती हैं तो जब नूह के पुत्र हाम ने अपने पिता को देखा तो वो मर्यादा भूल गया मर्यादा के हिसाब से तो उसको तुरंत अपनी मां को भी बताने की जरूरत नहीं थी एक बेडशीट उठा के अपने पिता को कवर देता कर देता और उसके बाद चले जाना चाहिए था और जिंदगी भर इस बात को उसे अपने मन में रखना चाहिए था कभी यह बताने की जरूरत नहीं थी हाँ कल को यदि पापा आधे होश में यदि उन्होंने देखा कि बेटा क्या कर रहा है और पापा ने बुला के उससे पूछा होता कि बेटा तुम्ही मुझे कवर किया था तो उसको बता देना चाहिए कि हाँ पापा मैंने देखा मैंने आपको कवर किया जिससे कि आपकी नग्नता ढकी रहे तो ये पद मैंने यहाँ पर क्यों लिया सवाल यह है कि हमारा विषय है तू व्यभिचार न करना तो जब तू व्यभिचार न करना यदि हमारे अध्ययन का विषय है तो हम ने अपने पिता के साथ मर्यादा के साथ व्यवहार करने के बदले उपहास से भरा हुआ व्यवहार किया वो मैंने यहाँ क्यों लिया इसके पीछे कारण है प्रभु का वचन जब व्यभिचार के बारे में बताता है तो वो एक बहुत अधिक व्यापक विषय का एक छोटा सा हिस्सा है और जब तक हम उस व्यापक विषय को उस विषय की पूरी व्याप्ति को ना समझें तब तक हम सबको लगेगा कि हाँ हाँ मैं तो प्रभु के वचन का अनुसरण करता हूं और मैं प्रभु के वचन के अनुसार व्यवहार करता हूं मेरे जीवन में किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है और इस कारण यदि प्रभु का वचन कहता है कि तू व्यभिचार न करना तो मैं तो उससे बिल्कुल दूर हूं मत्ती के शुभ संदेश पांचवें अध्याय के सत्ताईसवें पद से हम जरा पढ़ेंगे मत्ती का सत्ताईस ये स्वयं प्रभु यीशु का वचन है परमेश्वर का वचन हर शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इस बात को याद रखें कि प्रभु जब संसार में थे तब साढ़े तीन साल में प्रभु जो बहुत सारे विषय बोल सकते थे उन विषयों में से चुन चुन कर जो विषय प्रभु ने अपने बच्चों को बताए वे विषय निश्चित रूप से काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं इसीलिए तो प्रभु ने साढ़े तीन साल की जो सेवा शुश्रूषा का उनका जो सेवा काल था उस सेवा काल में हजारों विषयों में से ये थोड़े से विषय चुने चुनकर प्रभु ने जो विषय वहां उन लोगों के सामने रखे उसमें से एक विषय मत्ती पांच सताइस में है जहां हम पढ़ते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार विचार ना करना यह निर्गमन पांच सताइस के बारे में है पांच सताइस में जो कहा गया है उसको उसकी व्याप्ति अब प्रभु बताते हैं परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका तो जब पुराना नियम ये आज्ञा देता है कि तू व्यभिचार ना करना तो उस आज्ञा का पूरा विस्तार जब हम देखते हैं तो उसका विस्तार यह है कि यदि किसी दृष्टि पर बुरी नजर डाले तो वो मन में उससे व्यभिचार कर चुका यह है उस आज्ञा का मतलब तो अब आप पूछेंगे कि हाम की घटना आपने क्यों बताई उसका तो इससे कोई संबंध नहीं है बहुत संबंध है परमेश्वर के वचन को जब हम आदि से अंत तक पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन एक बात स्पष्टतया बताता है कि गैर व्यक्ति की नग्नता को देखना वो भी जानबूझकर देखना व्यभिचार तुल्य पाप है उसी तरह से अपनी नग्नता दूसरे के सामने प्रदर्शित करना वो भी व्यभिचार के तुल्य पाप है आप कहेंगे कि जॉनसन ब्रदर आप कहाँ से दूर की कौड़ी लाए हैं मैंने तो इस तरह प्रभु के वचन में कुछ नहीं पढ़ा है हाँ यदि आप कहें कि मैंने प्रभु के वचन में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं उससे इनकार नहीं करूंगा क्योंकि आप यदि कहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु के वचन के बारे में अज्ञान है तो मैं कहे को उसका इनकार करूं आपको मालूम होगा कि आपके जीवन में अज्ञान है इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा है लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु के वचन में ऐसा नहीं मिलता है प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें मिलती हैं जिसको या तो हम नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं तो आंख मीच के पढ़ते हैं और कल को जब कोई व्यक्ति प्रभु के वचन में से वो सुना देता है तो हमको एकदम से लगता अच्छा बाइबल में ऐसा भी लिखा है क्या तो प्रिय भाई और बहनों प्रभु के वचन को आदि से लेकर अंत तक जब हम पढ़ते हैं तब तो प्रभु का वचन इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है की जबरदस्ती दूसरे की नग्नता को देखना पुरुष हो या स्त्री हो जबरदस्ती दूसरे की नग्नता को देखना या अपनी नग्नता दूसरे को प्रदर्शित करना और इस तरह से देखी हुई बातों का प्रचार करना ये प्रभु के वचन में भयानक पाप के रूप में कहा गया है मैं एक दो पद आपके सामने रखूंगा लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस विषय को मन में रखकर आप प्रभु के वचन को फिर से पढ़ें और इससे संबंधित जो दर्जनों प्रस्तावनाएं परमेश्वर के वचन में मिलती है उनको देखें और उनको गंभीरता से लें मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं जबरदस्ती दूसरे की नग्नता देखना जबरदस्ती अपनी नग्नता दूसरे पर प्रकट करना और इस तरह की नग्नताओं के बारे में दूसरों के सामने वर्णन करना या प्रचार करना ये प्रभु का वचन इसको बहुत बड़े अपराध के रूप में देखता है और इसको उसी कैटेगरी में रखता है जिसमें व्यभिचार को रखता है या एक बहुत बड़ी कैटेगरी का एक हिस्सा है तो व्यभिचार ना करना तो ये बात स्पष्ट है जो किसी दृष्टि पर बुरी नजर डाले वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर, कर चुका शायद कुछ बहने कहें कि अरे बाप रे अपन तो बच गए ये तो मर्द का आ, रोग है औरतों में ये रोग नहीं पाया जाता है मैं इसके पहले भी पचास बार याद दिला चुका हूं कि प्रभु का वचन जनरली पुरुषात्मक रीति से बोलता है लेकिन प्रभु का वचन जो बोलता है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बराबर लागू होता है और इसलिए यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर बुरी नजर डाले तो वो स्त्री उस पुरुष से व्यभिचार कर चुकी है आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या थोड़ा सा थोड़ा सा रुक जाएं अपन अभी देखते हैं इतना कहने के बाद प्रभु का वचन आगे प्रभु यीशु ने आगे कहा यदि तुम्हारी दहनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दो क्योंकि तुम्हारे लिए यह भला है कि तुम्हारे अंगों में से एक नाश हो जाए और तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए कितनी कड़ी बात है ऐसा प्रभु ने क्यों कहा उसके आगे भी प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा दहना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने हाथ से फेंक दो क्योंकि तुम्हारे लिए ये भला है कि तुम्हारे अंगों में से एक नाश हो जाए और तुम्हारा सारा शरीर नाश ना हो इसके बारे में भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु ने इतनी कड़ी बात क्यों कही और क्यों वाकई में इस कोई ऐसा कर सकता है क्या प्रभु के कहने का मतलब यह था कि यदि मेरे आपके शरीर में कोई भी ज्ञानेंद्रिय़ आंख एक ज्ञानेंद्रिय़ है ज्ञानेंद्रिय़ का मतलब है शरीर के वे शरीर की वे इंद्रिया जो हमको ज्ञान देती हैं आंख एक ज्ञानेंद्रिय़ है हाथ एक कर्मेंद्रिय है जो कार्य करता है मनुष्य के शरीर में ज्ञान होती हैं जो उसको ज्ञान देती हैं और मनुष्य के मन में कर्मेंद्रिया होती हैं जो जिसके द्वारा वो कर्म करता है प्रभु के कहने का मतलब यह है कि हमारी जो ज्ञानेन्द्रिया हैं यदि हम उनको नियंत्रित ना करें और यदि हमारी जो कर्म इंद्रिया है यदि हम उनको नियंत्रित ना करें तो हमारी इंद्रिया हमको इवेंचुअली संपूर्ण नाश की ओर ले जा सकती हैं और इसलिए प्रभु के कहने का मतलब यह है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रिया और जो कर्म इंद्रिया है वे हमको संपूर्ण नाश में ले जाएं उसके पहले ही उन पर पूर्ण नियंत्रण काट के फेंकने का मतलब है उन पर पूर्ण नियंत्रण करना हमारे लिए जरूरी है आप कहेंगे आप पूछेंगे ब्रदर ऐसा भी होता है क्या दरअसल हम सबको एक बीमारी है खासकर ब्रदर एंड असेंबलीज में तीन चार प्रकार के महारोग फैले हुए हैं कोविड वो सबसे बड़ा रोग नहीं है जिसने ब्रदर असेंबली को ग्रस लिया है कितने दो चार सौ मर गए होंगे मर खप गए होंगे ब्रदर एंड असेंबलीज में से लेकिन दस हजारों लोगों को बर्बाद करने वाले कुछ रोग हैं ब्रदरन असेंबलीस में जिसके कारण दस हजारों में लोगों का आत्मिक नाश या विनाश हो रहा है जिसमें से एक रोग है डिसऑनेस्टी असत्यवाद मतलब हमारे सामने हो रहा है लेकिन हम इनकार करते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और उसके लिए बहुत सारे पचास प्रकार के बहाने हम बना लेते हैं किसी एक व्यक्ति ने जीवन में घोर पाप किया इमिडिएटली दूसरे बिलीवर्स कहते हैं उसका तो उद्धार ही नहीं हुआ है उद्धार किया हुआ व्यक्ति तो इस तरह के पाप नहीं कर सकता ब्रदर असेंबलीज में जो तमाम तरह के महा रोग है उनमें से एक रोग है असत्यवाद हम सच्चाई से आंख मीच के चलते हैं उसको पलायनवाद भी कहा जा सकता पलायन का मतलब भाग जाना असत्यवाद या पलायनवाद हमारा एक बहुत बड़ा रोग है हम अपने स्वयं के जीवन में पाप कर रहे हैं लेकिन हम उससे इनकार करते हैं कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता है और जब मंडली में एल्डर्स उससे पूछते हैं तो जवाब होता है कि हो सकता है मुझसे या मेरे जीवन में ये कमजोरी आ गई हो मैंने कई लोगों के डिसिप्लिन में भाग लिया है ना केवल चर्च में लेकिन बाइबल स्कूल्स में मैं कई सारे बाइबल स्कूल्स में पढ़ा चुका हूं और जब किसी विद्यार्थी से पूछा जाता है कि क्यों क्यों तुमने ऐसा किया सर हो सकता है मुझसे अनजाने में ऐसा हो गया हो उससे पूछा जाता है कि अनजाने में हो गया ना हो गया सवाल ये नहीं है तू शराब पी हुए था क्या जब तू ने किया तो नहीं सर शराब तो नहीं पी हुए था तू बेहोश था क्या नहीं था तो जब तू शराब भी पिए नहीं था बेहोश भी नहीं था तो तुझे मालूम है या नहीं मालूम है कि तूने किया नहीं किया तो फिर वो कहता है सर कमजोरी हो गई मुझसे एक कमजोरी हो गई हम ब्रदरन लोग ऑनेस्टली ये बात कहने में हिचकते हैं कि मैंने पाप किया तो हमारे बीच में जो बीमारियां बहुत व्यापक है उनमें से एक बीमारी है असत्यवाद पलायनवाद जब हम सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं पिछले दिनों किसी एक विषय पर मैंने क्लास लिया तो एक भाई ने मुझे प्राइवेट एक लेटर लिखा ब्रदर आपने आज जो घटना बताई उस घटना में जो बात आपने बताई मुझे यकीन है कि वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है एक सच्चा विश्वासी ऐसा नहीं कर सकता है यह है पलायन बात एक सच्चा विश्वासी क्या कर सकता है किस किस चीज में फंस सकता है प्रभु का वचन जरा आंख मीच के पढ़ने के बदले प्रभु का वचन आंख खोल कर पढ़िए तब आप देखेंगे तो ये पद जब कहता है कि तुम्हारी दहनी आंख तु, तुमको ठोकर खिलाए तो उसको फेंक दो तुम्हारा दहना हाथ तुमको ठोकर खिलाए तो उसको फेंक दो इसके कहने का प्रभु के कहने का मतलब ये था कि हमारी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया यदि हमको पाप की ओर ले जाती हैं तो तुरंत हम उन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों पर इस तरह का कड़ा नियंत्रण करें इस तरह का कड़ा नियंत्रण करें कि उनको काटके फेंकने के तुल्य हो यह आसान बात नहीं है लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि उस ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय पर इतनी इतना कड़ा नियंत्रण किया जाए कि वो नियंत्रण उस इंद्रिय को काटकर फेंकने के तुल्य हो कोई भी मनुष्य अपनी मानुष मानुषिक शक्ति से ये नहीं कर सकता है पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है और इसलिए यदि आज कोई भाई या बहन इस सभा में ऐसा है या ऐसी है जो अपने जीवन में किसी पाप से अब थोड़ा सा और व्यापक में बोलना चाहते किसी भी तरह के पाप से संघर्ष कर रहा हो तो प्रिय भाई प्रिय बहन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि वो पाप जो आज छोटा है कल को वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और आपको वो पूरी तरह से बर्बाद करे उसके पहले आप उस पर नियंत्रण कर लीजिए कैसा नियंत्रण ऐसा नियंत्रण जिससे कि जो की जो कि उस अंग को काट कर फेंकने के तुल्य है ये आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं हो सकता इतना ही नहीं हम में से हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक या एक से अधिक ऐसे मित्र होने चाहिए जो हमको जब हम बर्बादी की तरफ जाते हैं तो बर, बर्बादी से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो कुछ भी करने को से मेरा मतलब है कितना भी त्याग करना पड़े लेकिन हम उस बर्बादी में ना जाए उससे हमको बचाए ऐसे लोगों को ऐसे मित्रों को अंग्रेजी में मेंटर भी कहा जाता है उसके लिए हिंदी में एक अच्छा वाक्य है अच्छा शब्द है परामर्शदाता आप कहेंगे कि अरे ब्रदर परामर्शदाता कहाँ मिलेंगे मेरे जीवन में एक भी परामर्शदाता नहीं है कहा काहे को झूठ बोल रहे हैं आपका वो दोस्त जो आपसे मिलते समय हमेशा दूसरे की बुराई करता है वो परामर्श ही तो दे रहा है आपका दफ्तर का वो साथी जो आपको बताता है कि किस तरह से चोरी चपाटी करनी है वो परामर्श ही तो दे रहा है आपका वो दोस्त जो दूसरे के जीवन की गंदगी नैतिक गंदगी हर दिन आपके सामने बिखेर देता है वो परामर्श ही तो दे रहा है हम इस बात को कई बार पहचानते नहीं है कि दूसरे के मुंह से हम जो सुनते हैं वो हमारे लिए एक परामर्श है बहने मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑफकोर्स ये सिर्फ बहनों तक सीमित नहीं है लेकिन बहनों के बीच में व्यापक है दूसरे के घर की जो गंदगी है दूसरे के घर में जो अशुद्ध बातें हैं उसको रस लेकर दूसरों दूसरी बहनों के साथ शेयर करना आप पूछेंगे आप तो ब्रदर हैं आप कहे को स्त्रियों की बात सुनने के लिए जाते हैं मैं सुनने के लिए नहीं जाता लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक परामर्शदाता रहा जिंदगी भर ट्रैवलिंग प्रीचिंग खासकर कैंप्स और कॉन्फ्रेंसेस में तो इस कारण बहुत सारे लोग परामर्श के लिए आते हैं और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ मुझ जैसे काउंसलर के सामने जब कोई व्यक्ति परामर्श के लिए आता है तो उसका पूरा जीवन मेरे सामने एक नग्न सत्य होता है वो कोई भी बात नहीं छुपा सकता है इस कारण मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बहने रस ले लेकर दूसरों के जीवन की जो गंदगी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं ये क्या है ये भी एक परामर्श है क्यों परामर्श है मैं अभी बताता हूं लेकिन मेरे प्रिय भाइयों मेरी प्रिय बहनों मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं हम यदि एक छोटी सी बात पर जीवन की अशुद्धि को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वो छोटी सी अशुद्धि धीरे 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 बढ़कर पूरे जीवन को ग्रस लेती है उससे संबंधित एक बात मैं आपको बताऊं। प्रभु यीशु ने एक बार कहा था स्वर्ग का राज्य एक स्त्री के समान है जिसने थोड़ा सा खमीर लेकर आटे में मिला दिया और कुछ समय के बाद पूरा का पूरा आटा खमीर हो गया हम सौ बार पढ़ चुके हैं लेकिन कई बार इसके महत्व को या इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं प्रभु के वचन में खमीर पाप को प्रदर्शित करता है और इसलिए फसह के समय जो रोटी बनाई जाती थी फसह की रोटी उसको खमीर रहित होना जरूरी था फसह की रोटी को खमीर रहित होना इसलिए जरूरी था क्योंकि फसह प्रभु यीशु के बलिदान को दिखाते हैं जहां प्रभु मनुष्य के पापों को हटा देते हैं तो पुराने नियम में खासकर यहूदियों के बीच में खमीर पाप को दिखाता था उसमें भी नैतिक पाप को बहुत स्पष्टतया दिखाता था तो एक स्वर्ग का राज्य एक स्त्री के समान है जिसने थोड़ा सा खमीर लेकर आटे में मिला दिया और कुछ समय के बाद पूरा आटा खमीर हो गया इसका मतलब यह है कि ये जो मसीही जगत है इसमें जब नैतिक पाप आ जाता है या कोई व्यक्ति इसमें नैतिक पाप फैलाता है तो कुछ समय के बाद सारे मसीही समाज में नैतिक पाप फैल जाता है ये मैंने अभी क्यों यहाँ पिकअप किया इस बात को दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु ने यह बात स्पष्टतया बताई कि नैतिक पाप एक खमीर के समान होता है जिसको एक बार आप आटे में मिक्स कर देते हैं तो पूरा का पूरा आटा खमीर हो जाता है ये हमारे जीवन के बारे में भी है हमारे सामाजिक जीवन के बारे में भी है व्यक्तिगत जीवन में यदि हम हमारे मन में मनसा वाच्या कर्मणा यदि कोई पाप आ जाता है नैतिक पाप आ जाता है और यदि हम उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे पहले तो आंख से ठोकर लगी थी धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन पाप से भर जाएगा सामाजिक जीवन में भी ऐसा ही है सामाजिक जीवन में खासकर चर्च लाइफ में यदि कोई भाई या बहन गॉसिप करता है पर निंदा दूसरे की निंदा दूसरे की बुराई यदि किसी भी मंडली में कोई भाई या बहन है जो पर निंदा में एक्सपर्ट है या गॉसिप में एक्सपर्ट है तो मंडली के अगुओं की जिम्मेदारी है कि उस भाई या उस बहन को कड़ी से कड़ी वार्निंग दें और उसको बताया जाए कि इस तरह का व्यवहार आइंदा चर्च में टॉलरेट नहीं किया जाएगा मैं ऐसे कई चर्चेस को जानता हूं जहां पर एक या दो भाइयों ने उस पूरे चर्च को गंदा कर रखा है हिंदी में कहावत है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है अक्षरश सही नहीं है लेकिन उस कहावत का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो गंदगी फैलाता है वो पूरे समाज को गंदा करने के लिए पर्याप्त होता है यदि आप खाने पर बैठे हैं और खाने के प्लेट में एक कोने से दूसरे कोने तक एक बड़ा सा कॉकरोच रेंगते हुए चला जाता है तो उसके बाद आप वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे पूरे खाने का मजा बर्बाद करने के लिए एक कॉकरोच पर्याप्त होता है खासकर हमारे केरल में तो ऐसे जायंट कॉकरोच होते हैं जिसमें से आठ दस एक साथ इकट्ठे हो जाए तो आपको ही खींच ले जाए ऐसे कॉकरोच यदि खाने एक जगह से दूसरी जगह चले जाए खासकर चावल प्लेट में रखा है पूरा चावल फेंक दिया जाता है एक कॉकरोच पूरे खाने को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने के लिए पर्याप्त है उसी तरह से अन्य विश्वासियों के बारे में पर निंदा करने में जो दक्ष लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं वे उस पूरे चर्च के माहौल को खराब कर देते हैं और इस कारण यदि मेरे आपके जीवन में कोई भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हमसे गलत कार्य करवाता है तो पवित्र आत्मा की मदद से उस पर तुरंत न, जो है नियंत्रण पाए और हम अपने जीवन में इस तरह के परामर्शदाताओं को जोड़ लें जो हमको बुराई से हटाकर भलाई की ओर जाने में हमारी मदद करेंगे और इस तरह के परामर्शदाता नहीं मिलते हैं तो कम से कम वे परामर्शदाता जो हमको बुराई की तरफ ले जा रहे हैं उनसे तो आप उनको तिलांजलि दे दें उनसे गुड बाय कर लें उसी तरह से यदि चर्च में एक भाई है या एक बहन है जो दूसरों के जीवन की नैतिक गंदगी को लाकर चर्च में परोसता है चर्च में परोसने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मीटिंग के बीच में खड़े होकर बोलता है सभी मेंबर्स से यदि वो प्राइवेटली बोलता है या बोलती है तो चर्च में परोसने के तुल्य हो गया है इस तरह से परोसता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही जरूरी है कि क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि पाप फैले उसके पहले इस तरह का कड़ा नियंत्रण करना चाहिए जैसे कि हमने काट कर फेंक दिया है इससे संबंधित एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है ये विषय आज समाप्त नहीं हो रहा है ये अपने आप अप में इतना व्यापक है कि कम से कम एक हफ्ते और इसका अध्ययन करना पड़ेगा लेकिन आज ये जो अभी तक मैंने बताया इसका थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूं वो यह है कि क्यों काट के फेंकने को बोला है उसका उत्तर आपके पास है यदि मान लीजिए कि ब्रेड बाजार से लाए उसके एक किनारे फफूंदी लग जाती है दूसरा किनारा यदि एकदम साफ हो तो ब्रेड का एक पोर्शन काट के फेंका जा सकता है और दूसरा हिस्सा जिसमें फफूंदी नहीं है यदि आपको यकीन हो कि वह फ्रेश है तो उसको खाया जा सकता है लेकिन आप डिसाइड करें कि नहीं नहीं जब खाएंगे तब काटेंगे और इस कारण फफूंदी लगे हुए ब्रेड को आप एक ब्रेड बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख देते हैं आपका सोचना यह है कि फ्रिज के अंदर तो हर चीज सुरक्षित रहती है इसलिए फफूंदी लगा हुआ जो ब्रेड है वो सुरक्षित रहेगा और आप ब्रेड रख देते हैं दो दिन के बाद जब खाने का समय आता है आप उस ब्रेड को फ्रिज के अंदर से ब्रेड बॉक्स में से निकालेंगे तब आप देखेंगे कि एक किनारे जो फफूंदी थी अब सारे ब्रेड में फैल चुकी है गंदगी कभी भी अपने आप में सिमट नहीं जाती है गंदगी की एक विशेषता है कि वो हमेशा फैलती है नैतिक पाप के साथ भी यही है नैतिक पाप अपने आप को नियंत्रित नहीं करता है नैतिक पाप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करता है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनके जिनको आज मैं स्पर्श नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं सुबह से शाम तक यदि कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन की गंदगियों को आपके सामने परोसता है तो वो आइडिया सुन सुन सुनकर आपके जीवन में क्या बदलाव आता है इसको जरा समझ लें। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में उसके तुल्य कोई कहावत मैं ढूंढ नहीं पाया इसलिए पहले मैं जरा अंग्रेजी में बता दूं और वो कहावत यह है आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तीन शब्द हैं आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस इसको हिंदी में कहा जाए तो हम इस तरह से कह सकते हैं हर आशय का परिणाम जरूर होता है हर आशय का परिणाम जरूर होता है बच्चा गिर पड़ता है रोता है माँ उसको लपेट लेती है और बोलती है मेरा प्यारा बच्चा माँ उसके माथे को चूम लेती है सर को चूम लेती है कहती है कि अब तू चंगा हो गया बच्चे को एकदम से लगता है कि उसको उसको जो उस, उसका जो दर्द है वो हट गया है बच्चे के हाथ में कहीं खरोंच आ गई खून बह रहा है बहुत सारी माए उसको लेके चूम लेती है और कहती है कि मैंने तुमको किस करके चंगा कर दिया बच्चे को ऐसा लगता है जैसे उसका दर्द हट गया एक्चुअली दर्द वही है चोट वही है माँ पहले उसके दर्द को दूर करती है उसके बाद उस चोट की साफ सफाई करती है उस बच्चे को क्यों लगता है कि मेरा दर्द हट गया वो क्षण भर के लिए अपने दर्द को क्यों भूल जाता है इसलिए कि हर आशय का परिणाम होता है माँ जब उस बच्चे से अच्छी तरह उसको प्रोत्साहित करते हुए उसका जो दर्द है वो वो दर्द हट गया बेटा मैंने तुमको चूम लिए इसके साथ तुम चंगा हो गए जब माँ बोलती है तो वो जो पॉजिटिव वो जो सकारात्मक आइडिया वो बच्चे के मन में डाल रही है उसका असर बच्ची की सोच पर होता है हर आशय का परिणाम जरूर होता है ये बच्चे का उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि इससे हम सब परिचित हैं लेकिन इसके अलावा भी हमारे जीवन में भी ऐसा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल इसी तरह से आइडिया हमको प्रोत्साहन देती हैं आज से 26 साल पहले तीसरा स्ट्रोक जब मुझे हुआ तो बोरिया बिस्तर बांध के मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के से केरल आ गया केरल की भाषा मलयालम बड़ी विकट भाषा है अच्छे से अच्छे लोग इसको मास्टर नहीं कर सकते केरल आया तो हर कोई कहे प्रार्थना कीजिए तो 26 साल के बाद मैं प्रार्थना नहीं कर पाता मलयालम में यह स्थिति है मेरी बाकी सब कर लेता है। मैं हर तरह की मिनिस्ट्री मलयालम में करता हूँ बाइबल क्लास लेता हूं मैरिज कंडक्ट करवाता हूं फ्यूनरल करवा लेता हूं सब हो जाता है प्रार्थना कर, करने को बोलो तो नैनी मर जाती है आज ये स्थिति है तो छब्बीस साल पहले मेरी क्या स्थिति रही होगी जरा सोचें तो एक बार क्या हुआ कि एक चर्च में मुझे खड़ा कर दिए चार वाक्य बोलो और मेरे पीछे बैठे हुए थे मलयालम भाषा के सबसे प्रकांड स्पीकर तो मेरी तो हालत खराब हो गई जैसे तैसे मैंने एक पांच छ मिनट में जो बोलना था वो बोला पसीना पसीना हो गया जाके अपनी जगह बैठ गया मीटिंग के बाद उस भाई ने मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मलयालम का प्रकांड पंडित और स्पीकर उस भाई ने मुझसे आके कहा कि जॉनसन तुम तो अभी अभी केरल आए हो आज तुमने जो लेक्चर दिया वो सुनके मैं दंग रह गया कि मलयालम के ऊपर तुम्हारी इतनी अच्छी पकड़ है पकड़ कुछ भी नहीं थी लेकिन उस महान व्यक्ति ने जब मुझसे कहा कि मलयालम पे तुम्हारी अच्छी पकड़ हो गई है तो मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मैं और खुलकर बोलने लगा और जब खुलकर बोलने लगा तो धीरे 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 उस भाषा के ऊपर पकड़ इतनी बढ़ गई कि जैसा मैंने कहा आपको अब हर तरह के मिनिस्ट्री प्रेयर के अलावा पब्लिक प्रेयर के अलावा हर तरह की मिनिस्ट्री मैं मलयालम में करता हूं आ, प्रार्थना आज तक जो है जरूरत नहीं पड़ी इसलिए पब्लिक प्रेयर अभी भी मलयालम में नहीं करता कल कोई यदि कोई को धक्का दे के करवा दे तो हो सकता है मैं मलयालम में प्रार्थना भी करने लगू लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता था उस प्रकांड पंडित ने मुझ जैसे नौ सीखिए ने टूटे फूटे मलयालम में जो बोला था उसकी प्रशंसा आसमान तक कर दी उसका परिणाम क्या हुआ मुझे उत्साह मिला प्रोत्साहन मिला मैं और खुलकर बोलने लगा धीरे 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 उस भाषा को अधिकार के साथ आधिकारिक तरीके से मैं उस भाषा का उपयोग करने लगा हर आशय का परिणाम होता है जिस तरह से आप एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करें तो वो व्यक्ति उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा उसी तरह से उस व्यक्ति को यदि हम निरुत्साहित करें तो जो कर सकता था वो भी करने से गया बीता होगा यदि हम दूसरे लोग ऐसे भाई या बहन जो दूसरों के जीवन की गंदगी हमारे सामने परोसते हैं उनकी वाणी सुनने के लिए अपना कान दें वे हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारी आंख मतलब ज्ञानेन्द्रिय और तुम्हारा दहना हाथ तुम्हारा कर्म इंद्रिय तुमको यदि नैतिक रूप से गलत दिशा में ले जाता है तो उस पर ऐसा कड़ा नियंत्रण करो जैसा कि काट के फेंकने के तुल्य हो इसके लिए पवित्र आत्मा की भी जरूरत है ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे जीवन में सही दिशा में जाने के लिए हमको परामर्श दे सके क्योंकि जो आशय वे हमारे मन में डालते हैं वे उसका परिणाम होगा और परिणाम हमेशा कई गुना होता है इस बात को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करें तो व्यभिचार विचार ना करना के ऊपर हमारा अध्ययन सिर्फ आधा हुआ है मैंने इसलिए इतना डिटेल बताया कि प्रभु के वचन में जो आज्ञाएं हैं कई बार हम उनको तीन शब्द हैं चार शब्द हैं उसको हल्के से लेते हैं लेकिन एक्चुअली वो हमारे जीवन में उसकी व्याप्ति बहुत है और तू ये विचार न करना उसकी व्याप्ति इतनी ज्यादा है कि उसको पूर्ण रूप से समझना जरूरी है आज प्रभु ने हमको ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ मेरे लिए ग्वालियर की मंडली ने ये जो प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध करवाया मैं उनका भी आभारी हूँ और आप इतने सारे भाई बहन लोग आए ध्यान से सुना मैं आप सबका आभारी हूं प्रभु से मेरी विनती है कि इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करें पवित्र आत्मा की अगुवाई और जीवन में प्रॉपर तरीके के परामर्शदाता जुटाने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दे उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है जय मसीह की